बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हम लोग ये देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेसिकली उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो बनता कैसे है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जब हम लोग ये पिछला लेक्चर डिस्कस कर रहे थे बोहर्स एटॉमिक मॉडल वाला, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया था। उसमें हम बहुत डिटेल में आपको कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम के बीच डिफ्रेंशिएशन समझा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम समझेंगे, दैट इज़ के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो बनता है उनके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको क्या क्या नाम दिया गया और किस बेसिस पे दिया गया और स्पेक्ट्रम बेसिकली बनता कैसे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। अब देखिए, व्हेन हाइड्रोजन इज इनक्लोज इन अ कंटेनर एंड हीटेड, इट एमिट्स रेडिएशन। दीज रेडिएशन आर एक्चुअली एमिटेड ड्यू टू द एक्साइटेशन द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या होता है कि दैट जब आप एक हमारे पास हाइड्रोजन के एक एटम को हीट अप करते हो, हीट अप करने का क्या मतलब कि जब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वो क्या करता है, वो एटम उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के मोड को अंडरगो करते हैं। जब वो जंप करते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल्स, यानी फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल्स इनटू हायर ऑर्बिटल्स, या फिर जब वो जो होते हैं वो फॉल डाउन करते हैं फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स टू लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, बेसिकली रेडिएशंस एमिट होती हैं। होता क्या है कि दैट आपने एक एटम लिया, ठीक है, उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की। अब वो हीट एनर्जी उसके लोअर एनर्जी के जो ऑर्बिटल था उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था उसने एब्जॉर्ब कर ली और वो एक्साइट हो गया टू अ हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल से वो एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। अब ये वाला जो मोड था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचा तो वो डी एक्साइटेड मोड में था। जब वो डी एक्साइटेड मोड में था तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वहाँ से फॉल ऑफ कर देगा और दोबारा से अपने ऑर्बिटल में चला जाएगा, दोबारा से अपने शेल में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब वो एक्साइट हुआ था, यानी ये कि लोअर से हाई एनर्जी लेवल पे वो पहुँचा था, तो तब उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था। बट नाउ, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। लेकिन जब वो डी एक्साइट होता है, मतलब अनस्टेबल पोजीशन से दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेबल पोजीशन की तरफ मूव कर देता है, तो वो एनर्जी को एमिट करता है। ये एनर्जी कुछ रेज की फॉर्म में एमिट होती है, कुछ रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट होती है, और ये रेडिएशंस मिल के हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बना लेती हैं, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो वेव नंबर वाली इक्वेशन थी, हमें पता चला है कि दैट वेव नंबर जो है वो इक्वल हो जाता है टू द रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, ठीक है, इंटू वन ओवर एन वन का स्क्वायर। एन वन क्या है, फर्स्ट एनर्जी, कोई भी फर्स्ट एनर्जी लेवल जिससे एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है। वो फर्स्ट एनर्जी लेवल लाजमी नहीं है कि वो न्यूक्लियस के पास वाला ही फर्स्ट एनर्जी लेवल हो, ठीक है। आप सेकेंड या थर्ड या फोर्थ किसी भी सीढ़ी पे जिस पे इलेक्ट्रॉन उस वक्त मौजूद होगा, ठीक है, वो मतलब सीढ़ी में, ये सोच कह रही हूँ कि मतलब लाइक देखिए, किसी भी सीढ़ी पे जब एक बंदा खड़ा होता है, सपोज 10 सीढ़ियाँ हैं, एक बंदा जो है वो थर्ड नंबर वाली सीढ़ी पे खड़ा होता है और हम उसको कहते हैं कि तुम यहाँ से जो है वो 3 स्टेप्स ऊपर चढ़ो, तो वो उसके लिए वो जिस फर्स्ट स्टेप जो थर्ड स्टेयर पे खड़ा है वो उसके लिए फर्स्ट स्टेयर होगी, ठीक है, तो वो उसके लिए वो एन वन होगी, ओके। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में प्रेजेंट होगा वो उसके लिए एन वन होगा, और एन टू उसके लिए वो शेल होगा, वो ऑर्बिटल होगा जिसमें वो जंप करके जाएगा, ठीक है। सेकेंड शेल जिसमें वो जंप करके ऊपर जाएगा, दैट वुड बी द एन टू इन दिस इक्वेशन। होप्स आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और ये जो m माइनस वन है, m जो है इट्स नॉट द एनी काइंड ऑफ मास और समथिंग, ये जो होता है वो यूनिट है हमारे पास वेव नंबर का, दैट इज पर मीटर। अच्छा, हम आ जाते हैं विद दिस इक्वेशन, बोहर वॉज एबल टू प्रिडिक्ट द वेव नंबर इन द हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम हमें मिला था, यानी ये कि जब हाइड्रोजन के एटम्स ने रेडिएशंस को एमिट किया था, उनसे जो स्पेक्ट्रम बना था उनका, उनको जो है वो ये स्पेक्ट्रम क्यों बना है, कैसे बना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये स्टडी बोहर ने जो है वो कैसे किया था, इस फॉर्मूला को यूज़ करके। एंड द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस
दैट अकर इन द हाइड्रोजन एटम, वो तमाम की तमाम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या है? ट्रांजिशन का मतलब होता है स्टेट चेंज कर लेना, सॉरी आप ना एक जगह से दूसरी जगह सपोज शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स एक शेल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप किए थे, ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहेंगे। तो बोहर ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ही स्टडी की थी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब जो द वेव नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी कैलकुलेटेड, जो एक स्पेक्ट्रम था वो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन से मिलकर बना हुआ था, क्योंकि कोई भी एटम, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, वो स्पेक्ट्रल लाइंस, सॉरी कोई भी एटम जो है जो स्पेक्ट्रम बनाता है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, ठीक है। तो वो बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन से मिलकर बना हुआ होता है। अब क्या है कि जो वेव नंबर है ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस वो कैलकुलेट किया जा सकता है कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ N1 एंड N2, ठीक है। आपको N1 और N2 पता हो तो आप वेव नंबर जो है वो उस रेडिएशन का फाइंड आउट कर सकते हैं जो वो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा जब वो क्या करेगा, एक हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे फॉल बैक करेगा। अच्छा, इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है, फॉर द N1 एंड N2 वैल्यू। अगर एक इलेक्ट्रॉन का जो N1 लेवल है और N2 लेवल हमें पता होगा तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन सी वेव नंबर, या यू कैन से कि वो किस टाइप की वेव जो है वो एमिट करेगा, वो विजिबल वेव होगी या अल्ट्रा वायलेट वेव होगी या फिर कौन सी वेव होगी, ठीक है। तो अब क्या है कि जो पूरा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है हमने उसको डिफरेंट सीरीज में डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग अपॉन द N1 एंड N2 वैल्यूज। N1 अगेन मैं आपको बता रही हूँ वो वैल्यू है जो कि हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल शेल कौन सा था, फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, ठीक है। न्यूक्लियस से के मुकाबले में वो कौन से शेल पे मौजूद था, न्यूक्लियस के फर्स्ट, न्यूक्लियस के बाद आने वाले फर्स्ट शेल में अगर मौजूद था तो N1 की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, ठीक है। अगर न्यूक्लियस से वो दूसरे शेल पे मौजूद था इलेक्ट्रॉन तो N1 की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। और N2 हमें वो शेल होता है जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन ने असल में जंप कहाँ किया था जब उसने रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया था, ठीक है। तो अब क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द N1 एंड N2 वैल्यू हमारे पास डिफरेंट टाइप की सीरीज़ हैं, लेमन, बाल्मर, फैशन, ब्रैकेट एंड पीफर्न सीरीज, ठीक है। अब ये सारी की सारी सीरीज़ जो हैं वो एट द सेम टाइम डिस्कवर नहीं हो गई थी, और ना ही ये सारी की सारी सीरीज़ जो हैं वो बाय ऑर्डर डिस्कवर हुई थी कि भाई पहले लेमन सीरीज ही डिस्कवर हुई थी, उनको स्टडी किया गया था, फिर बाल्मर, इस तरह नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। इनके ऑर्डर्स भी हमारे पास डिफरेंट थे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि दैट ये सीरीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओनली द बाल्मर सीरीज़ जो है वो विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में थी, यानी ये कि ये कौन सी सीरीज़ हैं जो कि कलर्ड रेडिएशंस को एमिट करती हैं, ठीक है। लेमन सीरीज़ लाई इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, वाइल फैशन, ब्रैकेट एंड पीफन सीरीज़ लाई इन द इंफ्रारेड रीजन। ये आपको आना चाहिए, ये आपको MCQs में भी आ सकते हो, किसी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज सीरीज़ में ये आ सकता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि जो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो बनता कैसे है अकॉर्डिंग टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो 1888 में डिस्कवर हुई थी बाय लेमन, और उन सीरीज़ का नाम क्या हो गया था, लेमन सीरीज़, और बाल्मर ने भी डिस्कवर की थी, ठीक है, 1887 में ही, तो वो वाली सीरीज़ कहलाई थी बाल्मर सीरीज़, ठीक है। तो देखिए लेमन और बाल्मर सीरीज़ पहले डिटेक्ट हो गई थी। नो सेटिस्फैक्ट्री रीज़न बिकेम अवेलेबल टिल 1913 तक हमें कोई रीज़न जो है वो फाइंड आउट नहीं हुआ था कि ये लेमन और बाल्मर सीरीज़ मतलब लाइक किस बेस पे जो है वो डिस्कवर हुई हैं, यानी ये कि इनके बीच ऐसे क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो इस तरह की दो डिफरेंट सीरीज शो करता है, ठीक है। नील बोहर ने जो है वो इस लाइन स्पेक्ट्रा की कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी 1913 में, उसके बाद हमें कुछ समझ आना शुरू हुआ था, क्योंकि उससे पहले नील बोहर के 1913 से पहले पहले सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी के हमारे पास जो एटम्स होने चाहिए उन्हें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू नील बोहर व्हेन द करंट इज पास थ्रू अ हाइड्रोजन गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर, ठीक है, आपके पास क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए, वो क्या होगी, डिस्चार्ज ट्यूब में होगी, और उसका प्रेशर जो है वो हम लो रखेंगे, और जब हम उसके अंदर से करंट पास करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन एटम के वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं इनटू एटम्स,
ठीक है। और फिर ये एटम्स क्या करते हैं कि दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क से वो क्या करेंगे, एनर्जी ले लेंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल, जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो क्या कर देते हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, और वो जंप करते चले जाएंगे टू हायर एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब वो कौन से एनर्जी लेवल पे जंप करेंगे ये डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रॉन ने कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की है। सपोज देखिए, फर्स्ट शेल से अगर सेकंड शेल में जंप करने के लिए उसको 10 किलो जाउल्स की एनर्जी चाहिए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करना चाहता है टू द सेकंड शेल, तो वो क्या करेगा, 20 किलो जाउल पर मोल की एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो जंप कर जाएगा इनटू द सेकंड शेल, ठीक है। तो वो कौन सी शेल पे जंप करता है इलेक्ट्रॉन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास अबव डायग्राम है ये वाली, ये शो करता है द पॉसिबिलिटीज ऑफ मूवमेंट्स फ्रॉम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल्स। हम इसको थोड़ा जूम इन करके देख लेते हैं। ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिटल से सेकेंड में जंप कर सकते हैं, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सिक्स में भी, आगे किसी में भी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिटल से जंप करना स्टार्ट करते हैं, अगर n हमारे पास n1 जो है वो 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइमन सीरीज दे रहे हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम में हमें लाइमन सीरीज शो होंगे। फिर देखिए इलेक्ट्रॉन्स अब ये क्या करें, फर्स्ट एनर्जी लेवल से जंप नहीं करें, बल्कि ये जंप करें फ्रॉम द सेकेंड एनर्जी लेवल और फिर हायर एनर्जी लेवल्स पे चले जा रहे हैं, ठीक है। इसका एक भी देखिए आपको ये नीचे इससे नज़र नहीं आ रही लाइन, क्यों, इसका मतलब ये कि किसी भी इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट इस सीरीज में जो कि बाल्मर सीरीज है उसमें फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिटल से जंप नहीं किया, सेकेंड एनर्जी ऑर्बिटल से जंप किया है। देन फैशन सीरीज जो है देखिए वो थर्ड एनर्जी ऑर्बिटल से कॉन्टिन्यूड है। तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। लाजमी नहीं है कि जो फर्स्ट शेल के ये इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ वही एनर्जी अब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में जंप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, बहुत सारे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स विद इन द एटम वो डिफरेंट एनर्जीज एब्जॉर्ब करके डिफरेंट शेल्स में जंप करेंगे। अच्छा, अब इन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जंप कर तो जाते हैं टू द हायर एनर्जी लेवल्स, लेकिन क्या होता है कि दैट ये अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर दे कम बैक फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल्स टू द लोअर एनर्जी लेवल्स, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स में कम टू द लोएस्ट एनर्जी लेवल, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि फर्स्ट से लेकर लास्ट एनर्जी लेवल पर चले गए हों, ठीक है, और फिर वो लास्ट एनर्जी लेवल से जो है वो वापस जंप बैक करें टू द ओरिजिनल एनर्जी लेवल, ओके। अब क्या हो सकता है कि दैट इन दिस वे दे एमिट एनर्जी दे हैड एब्जॉर्ब्ड। अब जो उनने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, सपोज 20 किलो जाउल्स की एनर्जी सपोज अगर उन्होंने पहले एब्जॉर्ब की थी, ठीक है, तो वो 20 किलो जाउल्स की एनर्जी ही एमिट करेंगे, ठीक है। लेमन सीरीज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम N2 टू N1। लेमन सीरीज इस तरीके से हैं कि जो आपका फर्स्ट यानी ओरिजिनल शेल है वो कौन सा है, फर्स्ट है, और जो बाकी हैं वो N2 और समथिंग है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट देखें, यहाँ पे यूँ दी गई है कि लेमन सीरीज तब प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करते हैं फ्रॉम N2 टू N1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ये सीरीज प्रोड्यूस होंगी, ये जो लेमन सीरीज असल में क्या है, ये स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको पूरा फिनोमेना एक्सप्लेन किया कि स्पेक्ट्रल लाइन सिर्फ तब एमिट होंगी, सॉरी तब बनेंगी जब हमारे पास एनर्जी एमिट होगी फ्रॉम द एटम, और एनर्जी तब एमिट होगी जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा हाई एनर्जी लेवल से, वो जंप करेगा बैक टू द ओरिजिनल एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन और ड्यूरिंग द एक्साइटेशन कोई भी एनर्जी जो है वो एमिट नहीं हो रही है, तो जब नहीं एमिट हो रही तो कोई स्पेक्ट्रम नहीं बन रहा, कोई स्पेक्ट्रम नहीं बन रहा तो कोई भी सीरीज हमारे पास नहीं आ रही है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल्स, तब एनर्जी एमिट होगी, तब एनर्जी जब एमिट होगी तो स्पेक्ट्रम बनेगा और हमारे पास सीरीज आएंगी। तो अगर वो N2, N3, N4, N5, N6 से वो जंप करते हैं बैक टू N1, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होगी उससे हमारे पास जो स्पेक्ट्रम के अंदर सीरीज बनेंगी उनका नाम है लाइमन सीरीज़।
होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि एब्जॉर्प्शन के दौरान स्पेक्ट्रम बनता है, नहीं, एमिशन के दौरान स्पेक्ट्रम बनता है। क्यों? क्योंकि जब एमिट होगा, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तभी वो रेडिएशंस को एमिट करेगा और उन्हीं रेडिएशन से हमारे पास स्पेक्ट्रम बनेगा और उसी स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट सीरीज बनी हुई है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारे पास आ जाता है बाल्मर सीरीज। दैट जो बाल्मर सीरीज है वो तब प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल से जंप करते हैं टू द सेकेंड एनर्जी लेवल। ये मैं अब आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि हाई एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल, मैं इसको सिंपली जो है वो आपको बता दूंगी, होप सो आपको क्लियर आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं टुवर्ड्स हम दिस। लेट अस कैलकुलेट द वेरियस लाइंस ऑफ लेमन बाल्मर फैशन सीरीज एंड ब्रैकेट सीरीज एंड फ्रीफन सीरीज फ्रॉम द बोहर्स इक्वेशन ऑफ द वेव नंबर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1.09678, ठीक है, इंटू 10^7, ये क्या था? ये वो आर था, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, जो ये यहाँ पर लिखा होता। और एम माइनस वन अगेन क्या है? ये वेव नंबर का यूनिट है। जो वैल्यू एट द एंड इन कैलकुलेशन से आएगी आपने उसके साथ एम माइनस वन लाजमी लिखना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द लेमन सीरीज। द वेरियस लाइन्स इन द लेमन सीरीज गॉट देयर एक्सप्लेनेशन बाय कंसीडरिंग दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम फॉल बैक टू एन वन। अगर इलेक्ट्रॉन किसी इनफाइनाइट शेल से भी जंप करता है ना टू एन वन यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल, तो हमारे पास जो बनेंगी ना स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है, उसके अंदर जो सीरीज आएंगी उन्हें हम लेमन सीरीज कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने एन वन और एन टू की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की है, ओके, और आर की वैल्यू पहले से दी हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने जनरल सिंपली जो है वो वेव नंबर फाइंड आउट कर लिया। फॉर फर्स्ट लाइन ने क्या लिया, एन वन की वैल्यू वन ली है और एन टू की वैल्यू टू ली है। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट हर लाइन के लिए हमारे पास एन वन की वैल्यू वन ही रहेगी बिकॉज यहाँ पर ये लेमन सीरीज के लिए ये क्या है आपके पास एक लिमिटेशन हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आप बाउंड हो जाते हो, ओके, सो आपने जब वैल्यूज पुट की तो वन का स्क्वायर एंड टू का स्क्वायर वगैरह करके और इनकी आपने फिर एलसीएम वगैरह ले लेना है और बाकी फर्दर कैलकुलेशंस करने के बाद आपके पास आ जाती है ये वैल्यू। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आप यहाँ पर एन वन वन ही रहेगा, एन टू पहले आपने टू लिया था, अब आप एन टू थ्री ले लेंगे, अगेन उसको इक्वेशन में पुट करेंगे और स्क्वायर उनके लेने के बाद एलसीएम वगैरह लेने के बाद जो है आपके पास वैल्यू आ जाती है वेव नंबर की। ठीक है, अच्छा, अब हम मूव करते 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 बाकी सारी कैलकुलेशंस करते करते हम आ जाते हैं कि दैट एन टू जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास ये एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है। ठीक है, द लिमिटिंग लाइन ये शो करता है कि दैट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एनर्जी लेवल एंड द इनफाइनाइट लेवल इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यानी ये कि अब इलेक्ट्रॉन इस इनफाइनाइट लेवल पे जंप कर गया था कि वो वहाँ से वापस नहीं आ सकता। तो जनरली इलेक्ट्रॉन का एक इनफाइनाइट शेल में चले जाने का मतलब ये होता है कि वो एक एटम के अंदर से निकल ही गया है, ओके, और जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर से चला जाता है तो इसका क्या मतलब होता है कि वो एटम जो है वो आयनाइज हो गया है और जो एनर्जी वहाँ पर चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी आती है। ठीक है, तो जब आपके पास इस किस्म का वाला स्टेटमेंट आएगी जिसमें N2 जो है वो आपके पास इनफाइनाइट आएगा तो इसका मतलब ये कि वहाँ पर आपको आयनाइजेशन एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आ गया है और ये वाली जो लाइन होगी वो लिमिटिंग लाइन होगी उस सीरीज की। ठीक है, ऑल दीज लाइन्स ऑफ लेमन सीरीज हैव क्लोज वैल्यूज, दे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप, दीज वैल्यूज ऑफ द वेव नंबर लाई इन द यूवी रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि लेमन सीरीज कौन से रीजन में होती हैं, बाल्मर सीरीज कौन से में होती हैं, बाल्मर सीरीज के लिए N1, N2 की वैल्यूज़ की लिमिट क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें, यही मेनली इनके बीच डिफरेंशिएशन है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता कैसे है बाय द एक्साइटेशन एंड द डी एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको जो है ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कौन कौन सी सीरीज़ में डिवाइड किया गया है,
लेमन बार्मर फैशन पी फंड ब्रैकेट, ठीक है ये सारा। ठीक है अब हम आ जाते हैं टुवर्ड द बार्मर सीरीज। बार्मर सीरीज के लिए जो एन वन की वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। अच्छा देखिए बाकी उसी तरीके से हम उस फॉर्मूला के अंदर बस वैल्यूज पुट करके हम कैलकुलेशंस कर लेंगे, एन टू की वैल्यू को चेंज करते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे और एन वन की वैल्यू कॉन्स्टेंट ही रहेगी फॉर द बार्मर सीरीज जो कि 2 है, ठीक है। अब देखिए हम ये स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। ऑल दीज लाइन्स ऑफ द बार्मर सीरीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड अपीयर इन द फॉर्म ऑफ द ग्रुप्स ऑफ लाइन्स। मतलब क्या है कि बिल्कुल एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं कि अगर आप इन्हें दूर से देखो तो ये कम्प्लीटली एक ही मोटी सी लाइन लगती है, ठीक है। दीज लाइन लाई इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। देखिए लेमन सीरीज यूवी रीजन में थी यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन में थी, बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में है। फिर फैशन सीरीज की तरफ आ जाते हैं। फैशन सीरीज में जो हमारे पास एन वन की वैल्यू है होगी वो 3 होगी, ठीक है, एंड दे लाई इन द आई आर रीजन। इसी तरह जो ब्रैकेट सीरीज हैं वो भी आई आर रीजन में होती हैं और पी फंड सीरीज भी जो है वो हमारे पास होंगी इन द आई आर रीजन, ठीक है। अच्छा लेकिन ब्रैकेट के लिए जो एन वन की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाती है 4 और पी फंड के लिए भी एन वन की वैल्यू पी फंड के लिए हमारे पास एन वन की वैल्यू 5 आ जाती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पहले लेमन फिर बाल्मर फिर फैशन फिर ब्रैकेट और पी फंड, फिर आपको याद हो जाएगा कि एन वन की वैल्यू पहले के लिए 1 थी 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है यूँ। बाकी इस जो ये हमारे पास टॉपिक है इसमें इससे ज़्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बोहर ने इक्वेशन दी थी, ठीक है, ये इक्वेशन पता होना चाहिए, आर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपको एमसीक्यू में आर की वैल्यू मतलब आर के बारे में पूछा जाए कि ये कौन सा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है। सेकेंड ये बन सकता है कि आपको यही वैल्यूज़ जो हैं सपोज़ आपको ये सेम वैल्यू दी हो 1.09678, ठीक है, और आपको 10^10 की वैल्यू में चेंज हो 6, 7, 8, 9 ये दे दिया जाए, ठीक है, तो आपको R की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए इस कॉन्स्टेंट का नाम क्या है, ठीक है। फिर आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो बनता कैसे है, उसकी कौन कौन सी सीरीज़ हैं, हर सीरी की आपकी N1 की वैल्यू आपको लाजमी पता होनी चाहिए, ठीक है। N2 की वैल्यू तो आप इस तरह पुट कर सकते हो। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिटिंग लाइन कौन सी होती है। देन इन सीरीज़ में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पता होनी चाहिए वो ये कि कौन सी सीरीज कौन से रीजन में लाई करती है। जैसे लेमन जो है वो यूवी रीजन में लाई करती है, जो ब्रैकेट है सॉरी बाल्मर सीरीज है वो आपके पास जो है वो विजिबल रीजन में लाई करता है और बाकी तीनों जो हैं वो आपके पास आईआर रीजन में यानी इंफ्रा रेड रीजन में लाई करते हैं। होप्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन या फिर कोई क्यूरी है तो आप वो पूछ सकते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। होप्स आपको वो क्लियर हो जाएगा।